अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरी न्यू वीडियो में वेलकम। और मैं आज आप लोगों के साथ देसी गंदम का देसी पराठा बनाना शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। और लाइक करने के साथ साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चले आए हम अपना पराठा बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने से पहले हम लोगों को चाहिए देसी गंदम का गूंधा हुआ आटा, और इसके साथ साथ हमें चाहिए खुश्क आटा, और हमें चाहिए है घी। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। इसके साथ हमें चाहिए चकना बेलना, एक अदद तवा चाहिए, और साथ में चिमटा चाहिए। चिमटा हम लोग इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे हाथ ना जलें। आप चिमटे के बगैर भी बना सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, हम अपने आटे में से, गूंधे हुए आटे में से एक पराठे के मकदार के मुताबिक हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा आटा निकाल लेंगे, और उसको दो जो है ना वो छोटी छोटी बॉल्स में कन्वर्ट करेंगे, जिसके हम लोग आम जबान में पेड़ा बनाना कहते हैं। तो हम दो छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, ताकि हम लोग इतने छोटे होंगे हम लोग आसानी से उनको हैंडल कर सकें, ये ना हो कि बहुत बड़े बड़े पेड़े बना लें। तो दो बनाएंगे, ठीक है। और जब हम लोग दो पेड़े बना लेंगे तो फिर उसके बाद हम अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे। इस तरह से पहले हम दो पेड़े बनाएंगे, और फिर हम एक पेड़े के ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे, जितना आपको को पसंद है। तो मैं एक चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर दूसरा पेड़ा अच्छी तरह से रख के उसको जो है ना हम दबाएंगे, ताकि वो दूसरे पेड़े के साथ अच्छी से जो है ना वो मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम कुछ इस तरीके से उन दोनों के किनारों को आपस में जोड़ लेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग खुश्क आटा जो है ना वो साथ लगाते रहेंगे, ताकि आटा हमारे हाथों के साथ जो है ना वो बिल्कुल भी मत ना लगे। और फिर हम उसको दोबारा से अच्छी तरह से दोनों किनारे आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग रोटी को शेप देंगे बेलने के ऊपर कुछ इस तरह से। हम अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम तवे पर जो है ना अच्छी तरह से पहले इसको गर्म कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग गर्म तवे पर घी लगाएंगे और अपने पराठे को उसके ऊपर डाल देंगे। और डालने के बाद हम पराठे को जो है ना दोनों तरफ से घी लगा के अच्छे से जो है वो बनाएंगे। ये देखिए हमारा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। तो ये है जी हमारा पराठा बिल्कुल तैयार। इसको आप लोग अचार, दही या किसी भी चीज़ के साथ सुबह खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पराठा पसंद आया होगा। तो मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।